हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जनार्दन कुमार हमारे चैनल Q50G के पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए फिर से एक राजस्थान जीके की नई टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सीरीज दोस्तों राजस्थान जीके की कला संस्कृति हिस्ट्री ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और यह प्रश्नोत्तरी दोस्तों बहुत ही शानदार होने वाली है। तो दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कटारगढ़ ये वही कटारगढ़ है जो राजसमंद के कुंभलगढ़ किले में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कुंभलगढ़ में स्थित है कटारगढ़। देखिए दोस्तों इसी कटारगढ़ में मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, उनका जन्म स्थान माना जाता है कटारगढ़। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, दाबू प्रिंट के लिए दोस्तों अकोला, अकोला प्रसिद्ध है जो कि दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन दादूपंथ उप संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों देखिए दादूपंथी उप संप्रदाय की बात हो रही है, तो दोस्तों खालसा भी है, खाकी भी है, नाग भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चंडाल ये नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज का, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अजीत सिंह। अजीत सिंह को दोस्तों ये मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, जिसको दोस्तों महाराणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज का, किसी चौहान शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तरायण का दूसरा युद्ध लड़ा था। देखिए दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात हो रही है, ये दोस्तों उत्तरायण का दूसरा युद्ध था, मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था दोस्तों। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, लेकिन दोस्तों 1191 में उत्तरायण का प्रथम युद्ध लड़ा गया था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो दोस्तों बात हो रही है दूसरे युद्ध की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज का, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार होने वाली है। और दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए संबंधित है। दोस्तों हेला ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में संबंधित है, प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दौसा और सवाई माधोपुर का हेला ख्याल दोस्तों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज का, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटामा राव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो दोस्तों करौली की मदनपाल, जो करौली के शासक थे मदनपाल सिंह, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उसने दोस्तों कोटा के महाराजा के लिए सहायता भेजी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर की कौन सी महिला राजनीति एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था। देखिए दोस्तों अंजना देवी चौधरी थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों अंजना देवी चौधरी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंजना देवी चौधरी, जिनका संबंध दोस्तों अजमेर जिले से था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का संस्थापक कौन था। देखिए दोस्तों जोधपुर का जो दुर्ग है मेहरानगढ़, उसका नाम मेहरानगढ़ है दोस्तों। तो ये दोस्तों चिड़िया टू की पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका संस्थापक था जो जोधपुर का, वो रावजोधा था। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमल शाह द्वारा निर्मित प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, देलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में स्थित है दोस्तों। अगर दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें तो ये दोस्तों पाली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज, क्योंकि दोस्तों टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार होने वाली है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज का, वागड़ी बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दक्षिणी पश्चिमी भाग में वागड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, दक्षिणी और पश्चिमी भाग में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। देखिए दोस्तों शीतलाष्टमी की बात हो रही है तो चैत्र शुक्ला चैत्र कृष्णाष्टमी को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शीतलाष्टमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नाथ द्वारा शैली से। पिछवाई जो चित्रकला शैली है दोस्तों वो नाथ द्वारा शैली से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख प्रकाश डालता है। देखिए दोस्तों बिजोलिया अभिलेख में चौहान जो राजपूत वंश है उसका दोस्तों विवरण मिलता है बिजोलिया अभिलेख में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चौहान राजपूत राजवंश। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवर्ती के नाम से
जाना जाता था। देखिए दोस्तों, ताम्रवती के नाम से जाना जाता था आहार सभ्यता को, जो कि दोस्तों उदयपुर में स्थित है। आहार सभ्यता को इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती। तो दोस्तों आहार सभ्यता उदयपुर में स्थित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेस्ट सीरीज का। दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसे राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? दोस्तों एकीकरण की बात हो रही है, तो एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे महाराजा हनुमंत सिंह, जो दोस्तों अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे या दोस्तों एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराजा हनुमंत सिंह। अगर दोस्तों बात करें कि 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जोधपुर का जो शासक था वो कौन था? तो दोस्तों तख्त सिंह था। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमूसणा हत्याकांड या नीमूसणा हादसा कब हुआ था? ये दोस्तों 14 मई 1925 को हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नीमूसणा हत्याकांड। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के सातवें चरण में हुआ था अजमेर मेरवाड़ा का। देखिए दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा के उस समय शासक थे हरिभाई उपाध्याय, जो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाई उपाध्याय। अजमेर मेरवाड़ा का दोस्तों राजस्थान में विलय हुआ था, वो दोस्तों एकीकरण के सातवें चरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसी के साथ 1 नवंबर 1956 को सिरोही का विलय भी हुआ था गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों ऐसी टेस्ट सीरीज देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।